हिमाचल प्रदेश में छात्रवृत्ति घोटाले का मामला अभी सिरे नहीं चढ़ा था कि अब एक और मामला ऊपरी हिमाचल में सामने आया है। स्कॉलरशिप में अनुसूचित जाति के कॉलेज छात्रों को शिकार बनाया जाता रहा है। रामपुर बुशहर के सैकड़ों कॉलेज छात्रों को वर्ष 2017-18 में एक निजी कंप्यूटर शिक्षण संस्थान ने झांसे में लाकर मुफ्त कंप्यूटर शिक्षा देने के साथ साथ मासिक 1000 देने का सबजबाग दिखाया था। इसके साथ साथ उन्हें ये भी बताया गया था कि आने वाले समय में कंप्यूटर डिप्लोमा नौकरी के लिए केवल उनके संस्थान का ही मान्य रहेगा। रामपुर कॉलेज परिसर में जाकर इन सबज बागों ने रामपुर कॉलेज के सैकड़ों छात्रों को उनके निजी संस्थान पहुंचने के लिए राजी किया, लेकिन उनके कंप्यूटर संस्थान पहुंचने पर सबसे पहले एक बैंक की सहायता से छात्रों के खाते खोले गए। छात्रों को उसके बाद पासबुक व एटीएम नहीं दिए गए। कंप्यूटर संस्था के कारकरिंदों ने चेक बुक थमाने से पहले दो दो खाली चेक हस्ताक्षर कर हर छात्र से लिए। तर्क था कि स्कॉलरशिप के लिए ये अनिवार्य है। जैसे ही उच्च शिक्षा निदेशालय से इस वर्ष इन छात्रों के बैंक खातों में 30,000 आने लगे, निजी संस्थान संचालकों ने पैसों की निकासी छात्रों के खातों से शुरू कर दी। लेकिन जिन छात्रों के बैंक खाते आधार से लिंक होने के कारण संबंधित बैंक में धनराशि न जाकर दूसरे बैंकों में राशि चली गई, इससे निजी कंप्यूटर संस्थान संचालकों की मुश्किलें बढ़ गईं और उन्होंने छात्रों को धमकाने की प्रक्रिया आरंभ की, नोटिस भी जारी कर दी। छात्रों को हिदायत दी कि अगर संस्थान को पैसे नहीं लौटाए गए तो कहीं भी सेवा के काबिल नहीं छोड़ा जाएगा। अगर फीस देने में छात्र असमर्थ हुए तो गंभीर कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा। धमकी भरे नोटिस में लिखित रूप में दिया कि राष्ट्रीय व राज्य स्तर की किसी भी सरकारी संस्था को स्कॉलरशिप पाने के लिए ब्लैक सूची में डाल दिया जाएगा। छात्रों ने इस तरह की धमकियों और मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर SDM रामपुर से लिखित शिकायत की है और साथ में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को शिकायत भेजकर कार्रवाई की मांग की है। कॉलेज के छात्र पदम ने बताया कि वे वर्ष 2017-18 में कॉलेज में निजी कंप्यूटर संस्था के प्रतिनिधि आए और उन्होंने छात्रों को गुमराह करने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति के छात्रों को डिप्लोमा निःशुल्क देने और सालाना 12,000 अलग से दिए जाने की बात कही थी। जब कंप्यूटर सेंटर पहुंचे तो वहां उनकी एडमिशन के दौरान बैंक के माध्यम से चेक इशू किए गए। ये चेक किस तरह उन्हें बैंक से कंप्यूटर सेंटर पहुंचा कर दिया गया मालूम नहीं। उसके बाद बताया गया कि ये चेक सिक्योरिटी के तौर पर रखा जा रहा है, इसके बिना उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। जब 2019 में स्कॉलरशिप आई तो वे सेंटर के संचालक उसे फीस के रूप में उन ब्लैंक चेकों के माध्यम से खातों से पैसों की निकासी की जा रही है। वादा खिलाफी होते देख इसकी शिकायत उन्होंने SDM और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से भी की है। अजय कुमार ने बताया कि निजी कंप्यूटर संस्थान के माध्यम से बताया गया कि एक साल तक कंप्यूटर शिक्षा देंगे, साथ में सालाना 12,000 भी दिए जाएंगे और इस दौरान खाता खोलने के बाद बैंक वालों ने चेक बुक भी संस्था को दी। संस्था ने उन्हें चेक जारी करने से पहले दो खाली चेक हस्ताक्षरित वापस ले लिए। बोला गया कि ये सिक्योरिटी के रूप में रखे जाएंगे और बाद में वापस किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वे इस शिक्षण संस्थान में केवल अब तक दो बार आए हैं और पेपर दिया है, लेकिन अब भी 30,000 की मांग संस्था संचालक कर रहे हैं और उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। सुशील कुमार ने बताया कि कॉलेज के साथ साथ कंप्यूटर भी कर रहे हैं। कंप्यूटर संस्थान के लोगों ने शुरू में सपने दिखाए, प्रशिक्षण फ्री है, साथ में 12,000 भी वार्षिक में स्कॉलरशिप देंगे। संबंधित संस्थान के माध्यम से ही बैंक से चेक बुक इशू कराकर खाली चेक लिए गए। अब वे धमकियां दे रहे हैं और पैसों की मांग कर रहे हैं। रामपुर कॉलेज छात्रा मुकेश कुमारी ने बताया कि कंप्यूटर संस्थान में उन्हें मुफ्त डिप्लोमा देने के नाम पर ले जाया गया, लेकिन अब 400 से अधिक कॉलेज छात्रों के साथ धोखा हुआ है। उन्होंने SDM रामपुर से भी अपील की है कि इस तरह से घपले करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। नेशनल कमीशन फॉर SSC से भी मांग कर रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। उन्होंने बताया कि निजी संस्थान संचालक उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं और फ्यूचर खराब करने की धमकी दी जा रही है।
संजय छात्र ने बताया कि उन्हें निजे कंप्यूटर संस्थान में प्रशिक्षण लेने के लिए उनके प्रतिनिधियों द्वारा फोर्स किया गया और कहा गया डिप्लोमा मुफ्त में मिलेगा, इसके साथ बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा। अब ना तो कॉलेज में इन्हें इस कारण स्कॉलरशिप मिल रही है। SDM रामपुर नरेंद्र चौहान ने बताया कि छात्रों ने आरोप लगाए हैं कि एक संस्थान द्वारा स्कॉलरशिप के नाम पर ब्लैंक चेक लेने की शिकायत की जा रही है, उनके खातों से पैसे निकासी की बात हुई है। उन्होंने संस्थान संचालकों को तलब किया है, मुकदमा करने के बारे में भी विचार किया जाएगा।